अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल आपको पता है कि हर तरफ से अपडेट मौसूल हो रही है IR1 CR1 वीजा कैटेगरी और IR5 वीजा कैटेगरी, जिनको बहुत सारे रिसेंटली इंटरव्यू लेटर्स जो है वो रिसीव हुए हैं। मैंने सोचा कि ये बेहतर टाइम है आपके साथ शेयर करने का एक लिस्ट जो कि मैंने ड्राफ्ट की थी, जिसमें IR5 वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके पेरेंट्स से उनके इंटरव्यू वाले दिन पूछे जा सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चन और पूरी लिस्ट जो है वो बनाई गई है जिन लोगों के इंटरव्यूज हो चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस को उनसे पूछ के कि उनसे कौन से सवालात किए गए, उनको ड्राफ्ट करके। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो ऑफिसर ने किसी न किसी एम्बेसी के अंदर IR5 वीजा कैटेगरी के लिए पूछा है, जो उनका जिससे पूछा जाना था, जो कि एप्लीकेंट था उससे पूछा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही लिस्ट शेयर करूंगी और आप इसको अपने, अगर आप देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको इन क्वेश्चन की तैयारी करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले है और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके, उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर डॉटर ने जो है वो अप्लाई किया है अपने पेरेंट्स के लिए, डॉटर पिटिशनर है, तो क्वेश्चन है कि वेयर योर डॉटर लिव्स इन US, तो US के अंदर आपकी डॉटर कहां पे रहती है, आपके पेरेंट्स को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, उनकी स्टेट मालूम होना चाहिए, उनके इलाके का नाम जो है वो मालूम होना चाहिए। एक और सवाल है, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव एंड वेयर दे ऑल लिव, तो आपके अपने कितने बच्चे हैं और वो कहां कहां पे रहते हैं, तो आपको उनकी तमाम डिटेल्स देनी होंगी। और जाहिर है डॉक्यूमेंट्स की हम इस वक्त बात नहीं कर रहे, तमाम बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में रखने होंगे। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि डू यू हैव एनी प्रीवियस मैरिजेस और डिवोर्स, तो अगर कोई पहले ही मैरिजेस थी तो उनके टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनकी तमाम डिटेल्स होनी चाहिए कि वो मैरिजेस कब हुई थी, वो खत्म कब हुई थी, आया किसी पार्टनर की डेथ हो गई थी या डिवोर्स हो गई थी, तो ये तमाम तफसीलात जो है आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी भी और आपके पार्टनर को उनकी भी, सही है। उसके साथ साथ एक और सवाल है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी शादी कब हुई थी, किस साल में हुई थी, किस तारीख पे हुई थी, तो इसकी डिटेल्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल है कि हाउ मेनी किड्स योर डॉटर हैव, तो आपकी डॉटर जो है जिसने आपके लिए पेटिशनर है, अगर डॉटर भी है या सन भी है, जो भी पेटिशनर है आपका, उसके कितने बच्चे हैं, तो ये मैं हमेशा अपने तमाम जो है वो लोगों कहती हूँ जो बात करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स IR5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उनको आप जो पिटिशनर है बेटा या बेटी, उसके बच्चों के बारे में अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए, उसके बच्चे कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके बच्चों के नाम क्या हैं, उसके बच्चों की बर्थडे कब आती हैं, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली नाना नानी दादा दादी जो होते हैं उनको अपने ग्रैंड किड्स के बारे में मालूमात होती हैं। तो इंटरव्यू ऑफिसर ये जानना चाहता है कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है आपका, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है उनके बच्चों के मुतालिक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसका ख्याल रखना जरूरी है। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी एजेस क्या है, तो आपको एजेस भी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ पूछा जा सकता है कि आपका बेटा या बेटी जिन्होंने आपके लिए अप्लाई किया है वो करते क्या है, उनकी जॉब क्या है, उसकी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, जॉब की डेजिग्नेशन आपको मालूम होना चाहिए, किस कंपनी में जॉब करते हैं उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, वो किस स्टेट में जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं, घर से कितनी दूर है, इन जनरल ये होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचें जब आप अपनी बेटी या बेटे से बात करते होंगे तो वो जरूर जिक्र करते हैं इन चीजों का कि हमारी जॉब हमारे घर से इतने फासले पे है, रोज ड्राइव होती है, तो इस तरह की जनरल मालूमात का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक सवाल है कि आपकी जो डॉटर या सन था जो आपका पिटिशनर है उसकी बर्थ प्लेस कहाँ है, तो कहाँ पे पैदा हुआ वो, उसकी बर्थ डेट क्या है, कब पैदा हुआ, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके बेटा या बेटी के फेवरेट फूड्स क्या हैं, ये जनरल से सवाल है और जो कि जाहिर है जो माँ होती हैं बाप होते हैं उनको जनरली बातचीत करने से मालूम होता है, तो ये सवाल भी हो सकता है।
आपके स्पाउस का नेम क्या है, आपकी डॉटर या सन जो आपकी पिटिशनर है उसका नाम क्या है और वो उसको कैसे स्पेल करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बेटा या बेटी जिन्होंने आपके लिए अप्लाई किया, जो आपके पिटिशनर है, वो अमेरिका कैसे गए थे, वो वहां पे नेचुरलाइजेशन हुई उनकी, वो सिटीजन कैसे बने, वो उनका स्टेटस क्या है वहां पे, ये तमाम तफसीलात आपको मालूम होनी चाहिए। वो किस सन में वहां पे मूव हुए थे, शादी हुई थी या जॉब से गए थे, ये तमाम तफसीलात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल है कि हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर वीजा इन यूएस, तो आपने पहले यूएस के लिए कभी कोई वीजा अप्लाई किया है, तो उसको आपको सच सच उन्हें बताना होगा जो भी डिटेल्स होंगी। इसके साथ साथ एक और सवाल हो सकता है कि हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट, तो आपकी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेरेंट्स की हो या किसी की भी हो, तो आप कहीं भी गए हो, किसी भी मुल्क गए हो, कितने भी महीनों या दिनों के लिए गए हो, आपको ऑफिसर को बताना होगा। इन जनरल उसके पास वो कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होती भी है अक्सर, तो वो क्रॉस चेक ही कर रहा होता है, तो आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्कुल क्लियरली उनको शेयर करना होता है। इसके साथ साथ एक सवाल होता है कि आपकी बेटा या बेटी जिसने आपके लिए पिटिशन किया है उसकी शादी कब हुई थी, उनके स्पाउस के बारे में कुछ तफसीलात आपको मालूम होना चाहिए, स्पाउस का नाम क्या है, वो क्या करती है, जॉब क्या है, एज क्या है, इस तरह की जनरल मालूमात आपको अपने बेटा या बेटी के स्पाउस के बारे में भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सवाल है कि आपकी बेटा या बेटी की शादी को कितना अरसा हुआ है, लास्ट टाइम आपने अपने बेटा या बेटी जो आपका पिटिशनर है उसको कब देखा था, कब मिले थे, कहाँ पे मिले थे, तो ये मालूमात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सवाल है कि जो आपके बेटा या बेटी के स्पाउस हैं उनके बहन भाई कितने हैं या उनके पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, तो इन जनरल उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तमाम तर वो सवाल थे जो लोगों से उनके वीजा इंटरव्यू के अंदर काउंसलर ऑफिसर की जानिब से पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपसे भी आपके इंटरव्यू के अंदर इनमें से ही सवाल किए जाएं और आप उनके लिए फुली प्रिपेयर्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड हो। इसके साथ साथ बहुत सारे केस स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके केस से रिलेटेड होते हैं और वो ऑफिसर पूछता है, इनसे रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसी से जुड़े हुए मजीद डिटेल पूछ सकता है। तो अपने इंटरव्यू के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपके इंटरव्यू स्मूथली जो है वो क्लियर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।